नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार शर्मा। और वीडियो शुरू करने से पहले सभी को जय हिंद। दोस्तों, आज मैं कुदरती क्लास लगा रहा था, सो मेरे मन में ख्याल आया क्यों ना अपने यूट्यूब सब्सक्राइबर को बिल्कुल सही रास्ते पे डालूं। अरे, सिखाने वाले तो बहुत बैठे हैं पर खींचने वाले ज़्यादा बैठे हैं। सिखाते कम हैं, खींचते ज़्यादा है। सो दोस्तों, जो लोग गायकी सीख रहे हैं, संगीत सीख रहे हैं, संगीत दो प्रकार का होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक गायन होता है, एक वादन होता है। गायन में आपको क्या सीखना चाहिए और आपको वादन में क्या सीखना चाहिए, मैं आपको सारा कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों, मैं हमेशा बताता हूँ कि मैं अपनी कोई भी वीडियो डालता हूँ तो लाइव ही डालता हूँ, इतना टाइम नहीं होता कि किसी वीडियो को अपने सजा के निहार के डालूँ। मुझे व्यूज़ और सब्सक्राइबर से मतलब नहीं है कोई, मुझे तो सिर्फ ये है कि मेरे YouTube चैनल से कोई सही रास्ते पर चले जाए और अच्छा सीख ले। सो दोस्तों, जो लोग वोकल सीखते हैं उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो एक कोई भी नॉर्मल हारमोनियम ले ले। ज़रूरी नहीं है कि संगीत सीखने के लिए बहुत अच्छा हाई लेवल का हारमोनियम चाहिए होता है। थोड़ा सा बैड कंडीशन में कोई बात नहीं, शुरुआत हो थोड़े कम रुपयों से कर लो, पर कर लो। और हारमोनियम को पूरा समझने की कोशिश करनी, एक एक सुर समझना है कि हारमोनियम का कौन सा सुर है, क्या नहीं है, ठीक है, उसको पूरा फॉलो करने की, समझने की कोशिश करनी है। और सबसे बड़ी बात कि किसी अच्छे गुरु के पैर पकड़ो जो कि खुद तरा हो और आपको भी तार दे। कहीं ऐसा ना हो कि खुद तो डूबा है तुम्हें भी डुबा दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दोस्तों, सबसे पहली बात कि जब वोकल सीखते हो तो सबसे पहले पूरी सरगमे सीखो अच्छी तरह। सवेरे 3 बजे उठो, सवेरे 3 से लेकर 7 बजे तक पूरा रियाज करो, सरगमों का रियाज करो। पहले तो 1 घंटा आ लगाओ, सा लगाओ, ओम लगाओ, ओम लगाओ। जितनी आपकी गले की रेंज है वहां तक आप गाने की कोशिश करो। और सरगमों के बाद भारतीय शास्त्रीय संगीत के 10 थाट जरूर सीखें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 10 थाट में क्या होता है। राग बिलावल, थाट बिलावल जिसे कहते हैं, यमन हो गया, भोपाली हो गया, असाबरी हो गया, तोड़ी हो गया, मारवा हो गया, खमाज हो गया, काफ़ी थाट हो गया। सो दोस्तों, ये 10 थाट जरूर सीखें। कोई भी बड़े उस्ताद के पास जाओ, सबसे पहले वो राग दरबारी पकड़ा देता है। अरे भाई, बिगनिंग का स्टूडेंट है, कम से कम उसको सही रास्ते पे डालो तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले एक अच्छे उस्ताद को 10 थाट सिखाओ और अच्छे स्टूडेंट को वो 10 थाट सीखने की कोशिश करनी चाहिए। और दोस्तों, जो बाद में जो लोग सीख के जो सिंगर सिंगिंग के लिए ट्राई करते हैं ना, वो लोग सबसे पहले फंसते हैं। और सबसे पहले जब स्टेज पे कोई कीबोर्ड आर्टिस्ट पूछता है कि सर कौन सा स्केल दो, कौन सा राग बनाओ, बस वहीं पे उसकी नैया डूब जाती है। फिर सिंगर कहता है कीबोर्ड आर्टिस्ट को, सर मैंने तो ये सीखा ही नहीं। और पीछे से कीबोर्ड आर्टिस्ट का क्या रिएक्शन होता है और म्यूजिशियन का क्या रिएक्शन होता है, वो सब देखने वाला होता है। दोस्तों, ये ओपन चैलेंज है, कोई मैं आपको गलत ज्ञान नहीं दे रहा। आज म्यूज़िक सिखाते 27 साल हो गया और मैं कभी यूट्यूब चैनल पे इतना ध्यान नहीं देता था, पर तो मैंने सोचा चलो अब एक यूट्यूब चैनल पे भी ध्यान दिया जाए। कोई भटके ना, अच्छे रास्ते पे डल जाए, अच्छा है। और एक अच्छे टीचर को सबसे पहले तो उसको सरगमे सिखाए, पूरा मुरकी थाट सारा बताए, गमक के बारे में समझाए, बहुत कुछ है, मींड है, बहुत कुछ है। वोकल वाले तो सबसे पहले तो तानपुरा पकड़े, तानपुरे के साथ में हारमोनियम को भी हेल्प में ले। और उसके बाद क्या करें कि 10 थाट सीखें और 7 सरगमे जरूर सीखें। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि 10 थाट में से आगे राग निकले, जैसे कि असावरी थाट में से थाट दरबारी राग दरबारी निकला है, सॉरी, असावरी थाट में से किरवानी राग भी निकला है। मतलब बहुत कुछ है बताने के लिए। अब इंस्ट्रूमेंटल में क्या होता है, जिसकी आवाज़ अच्छी नहीं है उनको क्या करना चाहिए? मैं ये नहीं कहता कि अपनी मेहनत को जारी ना रखो, इसमें उम्रें गुजर जाती हैं, लोगों को स्टार बनने में स्टूडियो जा जाके चप्पलें घिस जाती हैं, आदमी का इक्का तुक्का कई बार नहीं भी लगता। और आजकल के लोगों को लगता है कि मैं 2 महीने क्लास लगाऊं और मैं स्टार बन जाऊं, ऐसा नहीं होता। इंडस्ट्री में आज की डेट में वही आदमी चल रहा है जो सीखा हुआ है। पहले प्रॉपर वे से सीख लो, रिदम के साथ प्रैक्टिस करो, और सबसे पहले तो हारमोनियम का ज्ञान लो जो बेसिक है। अगर आपको हारमोनियम आ गया, आपको सारे इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज आएगी। क्यों? क्योंकि सारे बाग में सारे स्वर वाले इंस्ट्रूमेंट है,
क्योंकि सरेगामापाधानिसा 12 सुर हारमोनियम में है, तो वायलिन में भी वही है, सितार में भी वही है, फ्लूट में भी वही है। राग की नॉलेज दिमाग में पड़ जाएगी, उसके बाद आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखना इजी हो जाएगा। दूसरी बात, इंस्ट्रूमेंटल जो सीखता है, दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि जरूरी नहीं है कि एक वोकल में ही बंदा स्टार बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। इंस्ट्रूमेंटल में भी आदमी स्टार बनता है। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में सबसे बड़े उस्ताद हैं जाकिर हुसैन साहब, बिस्मिल्ला खान जी, क्या बात है। और भी बहुत हैं, और जैसे कि निखिल बैनर्जी, सितार वादक। सो इंस्ट्रूमेंट को इतना अच्छे तरह रगड़ो, मतलब आपका पतीला इतना मांझा हुआ होना चाहिए कि चमक आपकी दूर से ही दिखनी चाहिए। अगर आपको इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता तो आपको कोई भी नहीं पूछेगा। इंस्ट्रूमेंटल वाले क्या करें, कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखें, सबसे पहले तो अच्छे गुरु के पास जाएं, इंस्ट्रूमेंट ट्यून करना आना चाहिए। सबसे पहले सरगमे सीखें, 10 थाट सीखें, उसके बाद उसमें से निकले हुए राग और कुछ सीखें, जिससे क्या होगा कि आपको गाने निकालने में दिक्कत नहीं होगी। कुछ लोग कहते हैं ना कि सर मुझे 1 महीने में ना बस फर 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 पूरा लगा दो, सिरा लगा दो, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। 1 महीने में किसी को सुर ज्ञान नहीं होता, यहाँ पे उम्र निकल जाती है। और दूर के लड्डू बड़े अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं होता दोस्तों। मैं सारी बातें सोच समझ के बोल रहा हूँ, और मैं किसी की टांगे नहीं खींच रहा, ना तबा लगा रहा हूँ। जो सही है वो सही है। मेहनत करते करते, राग सीखते सीखते तो आपको सुर ज्ञान होगा माइंड में, अदरवाइज कितना मर्जी जोर लगा लो आपको आएगा ही नहीं। और दूसरी बात ये, जब तक सरस्वती मेहरबान नहीं होंगी, आपको संगीत का साहब ही नहीं लगाना आएगा। और दोस्तों दूसरी बात कि आज की मतलब जनरेशन में प्रॉब्लम ये है कि जेलेसी, सभी अपने अपने मेहनत में लगे हुए हैं। और संगीतकार का सबसे पहले तो झुकना मतलब बनता है, उसकी नज़रें झुकी हुई होनी चाहिए। और बड़बड़ करने वाला बंदा तो कभी संगीत सीख ही नहीं सकता, वो तो भूल जाए। और सादगी, निम्रता और रिस्पेक्ट सबके लिए बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों, ये सीखने और सिखाने का सबसे सही तरीका बताया। गुरु कोई भी खराब नहीं होता, किसी भी उस्ताद के पास चल जाओ, उसको बंदे को जितना आता है वो अपने तरफ से बेस्ट गाइड करता है। बस सीखने वाले का मन ही पक्का नहीं होता, या तो वो भाग जाता है, या तो उससे होता नहीं, या तो वो कोशिश करता ही नहीं। और कोई भी गुरु किसी के अंदर घुस के नहीं सिखाएगा, खुद मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद में आपकी किस्मत है। सो नेक्स्ट वीडियो इससे भी थोड़ा अच्छी बनाने की कोशिश करूँगा, और मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर कुछ मैंने गलत मतलब गाइड किया हो। पर जहाँ तक मैं सभी को ये जवाब देना चाहता हूँ, जितने धक्के लाइफ में खाए हैं मैंने आपको सारा समझाया। नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत एक्सपीरियंस देने की कोशिश करूँगा, और फिलहाल के लिए जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो खूब सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक्स करें, कमेंट्स करें। अगर आपको कुछ मैंने गलत समझाया हो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।